हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार लावारिस पशुओं को लेकर लगता है अब प्रशासन ने कुछ कदम उठाना शुरू कर दिया है। मंडी और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती हुई लावारिस पशुओं की तादाद पर अंकुश लगाने के लिए जंजहली के अंबेडकर भवन में एसडीएम गोहर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल के कई इलाकों में लावारिस पशुओं के कारण दिन ब दिन किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस ज्वलंत समस्या के हल के लिए ठोस नीति बनाने पर जंजहली में प्रशासनिक अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि लावारिस पशुओं की समस्या से मंडी का सराज क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। क्षेत्र में बागवानों और किसानों को हर साल करोड़ों रुपए की फसलों का नुकसान सहना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई लोगों ने फसलों को बीजना ही बंद कर दिया है। पूरे क्षेत्र में जहां भी नज़र डालो लावारिस पशु अच्छी खासी तादाद में नज़र आते हैं। अगर जंजहली क्षेत्र की ही बात करें तो सिर्फ जंजहली में ही करीब 200 से अधिक पशु बगीचों, खेत खलियानों और मुख्य रास्तों पर चहलकदमी करते दिख जाएंगे। ये जानवर फसलें तो नष्ट करते ही हैं पर सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। प्रशासन ने पहले इन लावारिस जानवरों के हल के लिए कुछ प्रयास भी किए लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट और लोगों के सहयोग के बिना ये प्रयास उतने सफल नहीं हो सके। कुछ साल पहले पशुओं को टैग करने का काम भी शुरू किया गया था लेकिन कुछ समय में ही यह प्रक्रिया रोक दी गई। अब पशु चिकित्सक कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। दोबारा से टैगिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे पंचायत में जो भी डिस्पेंसरी है उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक जो पंचायत के सेक्रेटरी होंगे वो होंगे और दो हैंडलर होंगे, वो नोट करता रहेगा कि किस एनिमल की टैटूइंग हो रही है। और एक पंचायत का कोड होता है सर, उसमें तो कोड डलेगा उसका, पंचायत का कोड और आगे एनिमल का नंबर होगा। तो अगर उस एनिमल को छोड़ता है कहीं भी पकड़ा जाता है तो पंचायत के नंबर से पता लगाएगा कि किस एरिया का एनिमल है। तो इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे और 1 जनवरी से ये है कि सर्विस उन्हीं को दी जाए। हाईकोर्ट के भी रूल है, वही लगा था वो हाईकोर्ट वाले कि 1 जनवरी के बाद उनको सर्विस नहीं दी जाए। पूरे सराज क्षेत्र में सैकड़ों पशु किसानों और बागवानों की नींद उड़ाए हुए हैं। पहले 3-3 फसलें आसानी से बीजने वाले किसान अब सिर्फ एक ही फसल बीजने को मजबूर हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को हर साल सिर्फ सराज में ही सालाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कहने लगे हैं कि अगर यह सिलसिला नहीं थमा तो लोगों को भूखे मरने तक की नौबत आ सकती है। वहीं यह पालतू पशुओं के ऊपर भी घोर अत्याचार है। इस समय यह समस्या एक विकट समस्या बन गई है। इसके लिए लोग बरसों से मांग उठाते आए हैं कि इन बेजुबान पशुओं पर हो रहे अत्याचार को भी रोका जाए। आने वाले समय में बर्फबारी होगी और बर्फबारी के कारण काफी संख्या में यह लावारिस पशु मारे जाते हैं। अब प्रशासन लोगों के सहयोग से समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो अपने क्षेत्र में गौ सदन के लिए स्थान चिन्हित करने के साथ पशु धन की गणना भी करेंगे। साथ ही आने वाले समय में पशु धन के जन्म मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और अधूरी छूटी हुई टैगिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा ताकि दोषी लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। आज गायों के बारे में चर्चा हुई, पशु जो आवारा घूम रहे हैं उसके बारे में भी काफी विस्तृत चर्चा हुई और ये समाधान निकाला गया कि जो नियर बाय जो ट्रस्ट बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर शिकारी माता का ट्रस्ट बना हुआ है, उसको एक एडिशन काम गौओं को उनकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए इस काम को भी उनको दिया जाए। ये डिस्कस हुई कि हमने जो वेटनरी ऑफिसर है जो सराज रीजन में ब्लॉक में 4 वेटनरी ऑफिसर है उनको हमने नोडल ऑफिसर बनाए हैं। अपने रीजन में जो हमारा पशु छूटे हुए हैं उनका 15-20 दिन में सर्वे करें कि हमारे पास कितने जो आवारा छूटे हुए जानवर हैं। उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे कि हम किस तरीके से मतलब डिफरेंट जो सेक्टर हैं, थुनाग है, जंजेली है, छतरी है, गाड़ा गुसैनी है, बारी चौकी है,
थाची है, इन एरियाओं में किस तरह से हम जो आवारा छूटे हुए जानवरों को मैनेज कर सके। इस बैठक में जो हमारे इस कमेटी के जो गैर सरकारी सदस्य, हमारे जो विभागों के सारे सरकारी सदस्य और कुछ पंचायत के प्रधान और स्थानीय जनता भी इसमें, स्थानीय जनता ने भाग लिया। लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बहुत सारे समस्याएं उठाई। हमारे जितने भी यहाँ अधिकारी थे विभिन्न विभागों को, उन अधिकारियों ने सारी समस्याओं का जो उनके स्तर की थी उनका अच्छी तरीके से जवाब दिया, अच्छी तरीके से उनके समाधान करने की कोशिश करी। कुछ समस्याएं ऐसी है जो हमारे यहाँ इस स्तर की नहीं थी, उनको मैंने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों के उनके समक्ष में इसको उठाऊंगा। आपको बता दें, उच्च न्यायालय द्वारा 7 अक्टूबर 2014 को लावारिस पशुओं के समाधान को लेकर कड़ा संज्ञान लिया गया था, जिसमें सरकार को 6 महीने का समय दिया गया था। इस बैठक के दौरान लोगों की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की समस्याओं का भी मौके पर निवारण किया गया। देखना होगा लावारिस पशुओं पर प्रशासन की यह पहल कितनी सफल हो पाती है। जंजैहली से KR कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल, मंडी।